तो भाई ये कर ली हमने एंट्री और फुल ओपन में हो रहा है, मतलब कोई पास नहीं कुछ नहीं। तो ये आ गए भाई हम इस बड़े वाले झूले के नीचे, ये ड्रैगन वाला है। तो भाई ये बना हुआ है इधर हॉन्टेड हाउस, उधर बना हुआ है हंसी घर, मतलब इसके अंदर भाई। तो इसकी एंट्री फीस पूछते हैं क्या है। तो भाई वाला झूला भी चल चुका है, देखो कितने ऊपर पहुंच गए वो सारे, और उसमें कुछ बंदे बैठे हुए ज्यादा नहीं। प्ले करने के दो तरीके होते हैं सर, इसको वन बाय वन यहाँ से चला सकते हैं, वन बाय सिक्स डब्बा होल्ड करके कहीं से। और भाई नेक्स्ट गेम है ये बैलून फोड़ने वाली, जो गन से बैलून फोड़ते हैं, तो ये भी काफी अच्छा गेम होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग, आई होप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भाई मैं भी ठीक हूँ। तो भाई अभी फिलहाल मैं रोड पे खड़ा हूँ, आरुष और मैं, और हमारे साथ एक नया बंदा हो रहा है आज, नीटू हो जा रहा। ठीक है भाई, तो आज हम कहाँ पे जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं सेक्टर 11 वाली रामलीला, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हम उसमें जाएंगे दो दिन बाद। तो आज दो तीन दिन बाद आए हैं हम, तो चलो चलते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ क्या है अंदर, मतलब झूले राइड्स वाइड्स ही हैं अंदर तो, और बाकी आज रामलीला भी देखेंगे क्या है भाई रामलीला के अंदर। तो चलो चलते हैं और पहुँचते हैं, और पहुँचने वाले हैं दो तीन मिनट में। चलो वीडियो को पूरा देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो भाई ये हम लोग पहुँच चुके हैं मेले के पास, और देखो वो सामने ना झूला भाई सब कितने ऊपर है, हमें क्या उसमें बंदे नहीं बैठे हैं अभी। तो भाई अब हम बाइक लगाने की जगह ढूंढेंगे यहाँ पे, और बहुत ही मतलब ये देखो लाइट कितनी अच्छी है वाली भाई, ये वाला झूला पूरी लाइट है, लाइट है झूले पे। और चलो देखते हैं ये वाली रामलीला कैसी है आज। भाई आपको तो पहले मैंने सेक्टर 10 वाली दिखाई थी, पहले बाइक लगा देते हैं भाई। बाइक कहाँ पर लगाए यहीं लगा देते हैं भाई, है ना, यहीं लगा देते हैं, या और आगे लगाएं? एंट्री कहाँ पे है? यहीं लगा देते हैं, यहीं लगा दे, एंट्री एरिया ना यही है। ठीक है चलो आरुष। तो भाई ये है यहाँ से एंट्री, और काफी सोना सोना पड़ा है एंट्री गेट, मतलब बंदे कम है भाई। झूला का मस्त लग रहा है, एकदम मस्त झूला। चलो चलते हैं भाई, एंट्री करते हैं पहले। तो भाई ये कर ली हमने एंट्री, और फुल ओपन में हो रहा है, मतलब कोई पास नहीं कुछ नहीं, और खाली पड़ी है भाई कितनी कुर्सियां, तो मतलब ये सारा पीछे तो खाली पड़ा हुआ है। आगे आ गया, और आगे रामलीला हो रही है। तो ये यहाँ का थोड़ा सा लुक, बाकी वहां चलते हैं जहाँ झूले वगैरह। ये आरुष और ये नीटू। तो ये आ गए भाई हम इस बड़े वाले झूले के नीचे, ये ड्रैगन वाला है, और एक बड़ा झूला बोला उधर सामने, और यहाँ भाई खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं सारे, और इस तरफ झूले लगे हुए हैं। ये झटका मारता है झटके वाला। तो भाई वो ड्रैगन वाला झूला कितनी ऊपर जा रहा है, आरुष देखो ड्रैगन वाला झूला देखियो, देख कितनी ऊपर जा रहा है भाई साहब, कितनी ऊपर जा रहा है भाई। तो भाई इस वाली रामलीला में कुछ नई चीज देखने को मिली है, सामने लिखा है रोबोटिक डायनासोर, तो देखते हैं भाई क्या है सामने। बाकी ये वाला झूला चला हल्का हल्का, अरे बच्चों के लिए चल रहा है, उधर देखते हैं क्या है भाई। तो भाई ये बना हुआ है इधर हॉन्टेड हाउस, उधर बना हुआ है हंसी घर, मतलब इसके अंदर भाई मिरर होंगे जो अलग अलग तरीके की शेप में आपकी बॉडी दिखाएंगे, और ये रोबोटिक डायनासोर पार्क। तो इसकी एंट्री फीस पूछते हैं क्या है। तो भाई जो इसका टिकट है ना रोबोटिक डायनासोर पार्क का, उसका टिकट कितने का है? 150 रुपए का, 150 का। तो भाई वो सामने झूला चल गया, देखो पूरा राउंड कर जाएगा भाई साहब, ये देखो पूरा राउंड, बंदों की हालत खराब हो रही होगी अंदर जो बैठे होंगे भाई साहब। इधर ज्यादा स्पेस नहीं है ठीक है, लेकिन वो जो रामलीला उधर सेक्टर 10 वाली भाई वो तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। चलो चलते हैं, ये दोनों इधर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भाई ये है?
क्या देख रहे हो भाई तुम? फालतू ही कर रहे हैं। गुलेल सही है। तो इधर भाई सारे स्टॉल लगे हुए हैं, मतलब खिलौने के, कपड़ों के, लाइटों के, सारे टॉयज वगैरह सारी चीजों के स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये सारा स्टॉल का है, लेफ्ट और राइट दोनों। वो उधर सामने हो रही है रामलीला, भाई रामनीटू क्या कह रहा है भाई? उधर सोफे वगैरह सब रखे हुए हैं भाई, आओ भाई देखते हैं। तो भाई इधर तो फर्नीचर भी मिलने लग गया है। मैं तो अब देख रहा हूँ, मेरे ख्याल ये फर्स्ट टाइम ही है या पहले भी होता होगा, मैंने कभी नहीं देखा भाई। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा, मैं भी इतने सालों से इधर रामलीला में आ रहा हूँ। सोफे लगे हुए हैं, एंटिक एंटिक सारी चीजें। चलो भाई आगे चलेंगे, उधर कहीं उधर सारा सामने कपड़े लगे हुए सारे। चलो भाई, तो भाई वाला झूला भी चल चुका है, देखो कितने ऊपर पहुंच गए, और उसमें कुछ बंदे बैठे हुए, ज्यादा नहीं। अब वैसे वो देखो ऊपर राउंड राउंड कर रहा है, पता नहीं नीचे कितनी स्पीड में आएगा, कितनी धीरे आएगा, कुछ नहीं पता। घूमने की स्पीड तो धीरे हो रही है भाई उसकी, है ये तेज हो रही है। देखते हैं भाई क्या होता है इसके साथ। लो भाई इसमें कुछ नहीं है, धीरे धीरे वापस नीचे आ गया। चलो नीटू वहां चला गया, वो कहीं एक्सपेरिमेंट करने चला गया होगा, चलो ढूंढो उसे। अच्छा ये सारी जगह घूम के आ गया होगा, कहाँ घूम के आया गंजे? तो ये सारा भाई फूड कोर्ट बना हुआ है सारा, लेफ्ट राइट सेंटर दोनों तरफ ये सारा फूड कोर्ट है। अब आरुष कह रहा है इधर कौन से बिस्किट? आरुष नाइट्रोजन बिस्किट, नाइट्रोजन बिस्किट नहीं है भाई। इधर इधर अपने टॉय मिल रहे हैं छोटे छोटे, और इधर सेल लगी हुई है भाई 20 रुपए सेल। कुल्फी खाओगे? चलो तो भाई यहाँ है भारतीय रिंग स्टॉल, यहाँ पे रिंग डालो। 100 रुपए के कितने हैं? 8। 100 रुपए के 8 दे रहा है। नीटू को किसमें गिरा सकता है? कितने मांग रहा है भाई? तुम देना चाहते हो 100 के 12? नहीं देगा भाई, गुस्सा हो गया वो। सौ के बारह अभी मिल ले तुझे, रिंग केवल एक ही फेंका जाएगा, देख लिया? कितने की भाई बोल, कितनी बार? 100 कितनी बार? 100 रुपए में एक चांस, और गिलास ये मतलब 2-2 किलो के होंगे, ये गिरेंगे नहीं भाई कभी। अरे नहीं गिरते। यहाँ पर है बॉल वही नंबर में डालने वाला, और ये पीछे ही नाम लगे हुए हैं। नीटू फोन भी है C1, देख ले। जूसर मिक्सर भी है, बाद में मोदू लिया, इनाम में कुछ दिया नहीं। अच्छा एक कट्टा भी डाल सकते हैं ये प्ले करने के दो तरीके होते हैं सर, इसको 1x1 यहाँ से चला सकते हैं, 1x6 डब्बा फोल्ड करके कहीं से भी चला सकते हैं, 6 बॉलों का टोटल ऐड करके, जैसे 6, 6, 12, 18, 24 बोर्ड से कोई भी एक नंबर बनाना है, सभी नंबरों के इनाम पीछे लगा दिए गए हैं, नंबर प्लेट लगी हुई है, यही होता है वैसे। थैंक यू भाई, आपने गेम के बारे में हमको समझाया कि गेम मतलब बॉल कैसे डालनी है और नंबर बनाना है, और फिर उसके पीछे सारे गिफ्ट जो लगे हैं भैया के पीछे वो मिलेंगे। थैंक यू भाई,
अच्छा लगा आपसे मिलके। और भाई नेक्स्ट गेम है ये बैलून फोड़ने वाली, जो गन से बैलून फोड़ते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा गेम होता है, इंटरेस्टिंग गेम होता है, काफ़ी लोग खेलते हैं इसको। लेकिन भाई अभी पता नहीं क्यों कोई बंदा, अभी तो रिंग वाले पे थोड़ी भीड़ भाड़ हो गई है, नहीं तो अभी सारे स्टॉल खाली पड़े हैं गेम के। लोग भाई इस तरफ भी गेम लगे हुए हैं, गन वाला लगा हुआ, इधर बैलून वाला, ये गिलास गिलाने वाला, और इधर भी ये बॉल वाला लगा हुआ और रिंग वाला, मतलब उस तरफ भी है और इस तरफ भी है। 400 रुपए का इनाम है भाई, एक बॉल में 6 गिलास गिराएंगे टेबल से नीचे तो 400 रुपए इनाम पाओ, लेकिन आज तक कोई नहीं गिरा पाया। चलो चलते हैं भाई। तो भाई अभी हमने रामलीला देखने के लिए जा रहे हैं, आज शायद राम जी को वनवास हुआ और राजा दशरथ उनके वियोग में बहुत ज्यादा परेशान है, तो चलो दिखाता हूँ आप लोगों को भी। और ये दिखाया जा रहा है कि राजा दशरथ जी को कितना दुख हुआ था जब राम जी वनवास में गए, तो दिखाता हूँ आप लोगों को। तो भाई मैं पहुंच चुका हूँ रामलीला से सीधा घर पे अब, क्योंकि तो अचानक से भाई कोई काम याद आ गया था, इसलिए हम रामलीला से डायरेक्ट घर पे आ गए। और रात भी काफ़ी हो चुकी है और मौसम भी काफ़ी ठंडा हो गया, तो भाई मेरी तो वैसे ही तबीयत थोड़ी थोड़ी हल्की ख़राब चल रही है, कोल्ड हो रखा है। तो भाई आज आपने देखा वीडियो में, मैंने आपको राइड्स वगैरह दिखाई हैं सेक्टर 11 वाली रामलीला में, काफ़ी राइड्स, मतलब जो कुछ गेम वेम है वो थोड़े चेंज है, और सेक्टर 10 वाली में तो है भाई, वो तो बहुत बड़ी रामलीला है सेक्टर 10 वाली, तो सेक्टर 11 वाली इतनी बड़ी नहीं है, सेक्टर 10 वाली तो बहुत बड़ी रामलीला भाई। तो आज वीडियो में आपने देखा, मैंने आपको दशरथ जी ने राम जी को वनवास दिया था, तो उनके वियोग में बहुत दुखी थे और उनका देहांत भी हो गया था, मतलब आज की रामलीला में। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया, कोई पसंद आया तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बहुत जल्द मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।